फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि एक डेली ट्रेन है जो इंदौर से नई दिल्ली के बीच और दिल्ली से इंदौर के बीच चलती है। इस ट्रेन की मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये कहाँ कहाँ रुकती है, कैसे चलती है और कितने किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 22 कोच हैं, जिसमें से एक फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट है और एक सेकेंड टीयर का कंपार्टमेंट है और थर्ड तीन टीयर का कंपार्टमेंट है। और यहाँ पे 12 स्लीपर क्लास है, 3 अनरिजर्व यानी जनरल क्लास है और यहाँ पे 2 जनरेटर क्लास है। ये इसको लीड करता है तुगलकाबाद का वेब 7 लोकोमोटिव। तो ये चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जिसका कोड है NDLS। ये स्टार्ट होती है 10 बजे और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी होती है। इसका दूसरा स्टॉप है हज़रत निज़ामुद्दीन, जिसका कोड है NZM। ये यहाँ पे 10:13 पे पहुँचती है और 10:15 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप होता है। यहाँ पे ये 7 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी होती है। 4th स्टेशन है मथुरा जंक्शन, जिसका कोड है MTJ। ये यहाँ पे 12:25 पे आती है और 12:30 पे यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे इसका 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पे 141 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी होती है। और इसका 4th स्टेशन है भरतपुर जंक्शन, जिसका कोड है BTE। यहाँ पे 1:03 पे आती है और 1:05 पे यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे इसका स्टॉपेज है 2 मिनट का और ये यहाँ पे 175 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इसके बाद इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी होती है। इसका 5th स्टॉप है बयाना जंक्शन, जिसका कोड है BXN। यहाँ पे ये 1:33 पे आती है और 1:35 पे यहाँ से चली जाती है। इसका यहाँ पे स्टॉपेज है 2 मिनट का और ये 217 किलोमीटर तय करती है सफ़र और यहाँ पे ये 2 सेकेंड प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 6th स्टॉपेज है श्री महावीर जी, जिसका कोड है SMBJ। यहाँ पे 2:03 पे आती है और 2:05 पे यहाँ से चली जाती है। इसका यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पे 260 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है। इसका 7th स्टॉप है गंगापुर सिटी, जिसका कोड है GGC। ये यहाँ पे 2:33 पे आती है और 2:35 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पे ये 294 किलोमीटर इसका सफ़र तय करती है, जहाँ पे ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 8th स्टॉप है सवाई माधोपुर जंक्शन, जिसका कोड है SWM। यहाँ पे 3:23 पे आती है और 3:25 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पे ये 358 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जहाँ की ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 9th स्टेशन है कोटा जंक्शन, जिसका कोड है KOTA। यहाँ पे 4:40 पे आती है और 4:50 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है और यहाँ पे ये 466 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जो कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 13th जंक्शन है रामगंज मंडी, जिसका कोड है SGZ। ये यहाँ पे 6:48 पे आती है और 6:40 में ऐसे चली जाती है। ये यहाँ पे 2 मिनट रुकती है और यहाँ पे ये 599 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 11th स्टेशन है भवानी मंडी, जिसका कोड है BWM। यहाँ पे ये 6:08 पे आती है और 6:10 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे 2 मिनट रुकती है और यहाँ पे ये 566 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 12th स्टॉप है गैरोड जंक्शन, जिसका कोड है GOH। ये यहाँ पे 6:27 पे आती है और 6:28 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे ये 1 मिनट रुकती है और यहाँ पे ये 589 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यहाँ पे ये 1 मिनट 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 13th स्टॉप है शामगढ़, जिसका कोड है SGZ। ये यहाँ पे 6:48 पे आती है और 6:40 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। ये यहाँ पे 600 किलोमीटर कवर करती है और ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 14th स्टेशन है सुवासरा, जिसका कोड है SVA। ये यहाँ पे 6:54 पे आती है और 6:55 पे ऐसे चली जाती है। इसका यहाँ पे 1 मिनट का स्टॉपेज है और ये यहाँ पे 613 किलोमीटर का समय तय करती है और ये यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है।
इसका 15वां स्टेशन है चाउमाला, जिसका कोड है CMU। ये यहाँ पे 7:09 पे आती है और 7:10 पे यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है और ये यहाँ पे 628 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और 2 मिनट 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आती है। इसका 16वां स्टेशन है विक्रमगढ़ आलोट, जिसका कोड है VMA। ये यहाँ पे 7:30 आती है और 7:32 पे यहाँ से चली जाती है। ये यहाँ पे 2 मिनट रुकती है और ये यहाँ पे 651 किलोमीटर कवर करती है और ये यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 17वां स्टेशन है मेहदीपुर रोड, जिसका कोड है MEP। ये यहाँ पे 7:49 पे आती है और 7:50 पे यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे इसका स्टॉपेज है 1 मिनट का और ये यहाँ पे 674 किलोमीटर कवर करती है और ये यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। इसका 18वां स्टॉप है नागदा जंक्शन, जो कि जिसका कोड है NAD। ये यहाँ पे 8:45 पे आती है और 9:10 पे यहाँ से चली जाती है। इसका यहाँ पे 25 मिनट का स्टॉप है और ये यहाँ पे 691 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। और यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल भी होता है। इसका 19वां स्टेशन है उज्जैन जंक्शन, जिसका कोड है UJN और यहाँ पे 10:10 आती है और 10:05 पे ऐसे चली जाती है। यहाँ पे ये 5 मिनट रुकती है और यहाँ पे ये 746 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आती है। इसका 20वां स्टॉप है देवास जंक्शन, जो जिसका कोड है DWX। ये यहाँ पे 10:50 पे आती है और 10:52 पे चली जाती है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये यहाँ पे 787 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है। इसका 21वां स्टॉप है इंदौर जंक्शन, जो कि इसका लास्ट स्टॉप है। इसका कोड है INDB। ये यहाँ पे 11:40 पे आती है और यहाँ पे ये अपनी पूरी जर्नी 826 किलोमीटर कवर कर लेती है, जो कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 पे आती है।